आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड डेमो। सो जो मैं जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू देने वाली हूँ वो है वेगा का 3-in-1 हेयर स्टाइलर। सो गाइज आपने इसको ज़रूर फ्लिपकार्ट पे जब भी आपने सर्च आउट किया होगा हेयर स्ट्रेटनर या हेयर कलर तो आपने डेफिनेटली को देखा होगा। सो आज मैं बहुत ही रिजनेबल रेंज में इस समय जो ऑफर चल रहा था तो मैंने ऑफर में उसको बाय किया और मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला। सो चलिए कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। क्या है कि इसके ऊपर का मैंने कवर पहले ही निकाल दिया था क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी लंबी वीडियोज हो जाती है और थोड़ा बोरिंग होने लगता है। सो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट बॉक्स को ही ओपन किया जाए। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स मुझे जो है रिसीव हुआ है। यहाँ पे ये सोनम कपूर बनी हुई है, यहाँ पे 3-in-1 हेयर स्टाइलर लिखा हुआ है, यहाँ पे हेयर स्टाइलर है बना हुआ और यहाँ पे हमारा क्रिम्पिंग कर्लिंग स्ट्रेटनर है और यहाँ पे वेगा लिखा हुआ है। अब साइड की बात कर लेती हूँ, वेगा हेयर स्टाइलर लिखा हुआ है और यहाँ पे पावर लेट इंडिकेटर है, इंडिकेटर दिया हुआ है कि आपका पावर ऑफ है या ऑन, ये आप इजीली एसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे इजी लॉक सिस्टम, काफ़ी अच्छा लॉक सिस्टम दिया गया है कि आप उसको किसी भी इजीली लॉक कर सकते हैं। और 360 रोटेटिंग इसका जो वायर है वो 360 रोटेट करता है, काफ़ी अच्छा इसमें ये प्रोसेस दिया गया हुआ है। तो तीसरी बात करते हैं हम लोग इस साइड की, वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है। यहाँ पर 2 ईयर वारंटी कार्ड दिया गया है जो कि आपको खुद से ही फील करना होगा। सो अब इसके बाद है बटन टू स्विच टू एनी स्टाइल, बटन दी गई है कि आप जो भी हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, कर्ल करना चाहते हैं तो भी स्विच कर सकते हैं बटन को। और इसको मैं डेमो में आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगी। और सेरेमिक कोरेट प्लेट होता है जो कि हमारे बालों को बहुत कम डैमेज करता है। और यहाँ पे हेयर स्टाइलर बना है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये प्राइस लिखा हुआ है इस पे 1599 और ये मुझे मिला 949। अगर गाइस आपका 949 में इसकी ये मिल रहा है तो गाइस आप सोचो इसमें हेयर स्टाइलर, हेयर कलर एंड हेयर क्रिम्पिंग है। सो गाइस कितना सस्ता है ये। इसका एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी ट्रेवल करने जा रहे हो तो आप इसको इजीली लेके जा सकते हो। ये नहीं है कि अलग अलग हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कलर एंड हेयर क्रिम्पिंग लेके जाना हो तो वो सारे टूल एक में ही आपको मिल जाएंगे। सो ये रहा गाइस, अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हेयर स्टाइलर कैसा है। सो गाइस ये देखिए, ये है हमारा हेयर स्टाइलर और ये इस पर लिखा हुआ है वेगा। सो गाइस ये यहाँ पे बटन दिया गया है, आपको जो भी स्टाइल करना हो अगर आप इस बटन को मिड पे रखेंगे तो ये तीनों ही लॉक होगा। अगर आप इसको जो है लेफ्ट साइड करोगे, आपकी तरफ से राइट साइड होगा तो ये हमारा हेयर स्ट्रेटनर ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद इसको मिड पे कर देंगे तो हमारा स्ट्रेटनर जो होगा वो बंद हो जाएगा और अगर आप राइट करोगे तो आपका हेयर क्रिम्पिंग हो जाएगा ओपन। और ये देखिए गाइस, ये हमारी सिरमे की कोटिंग की गई है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सो इसको मिड पे लाके इसको ऑफ कर देंगे। देन उसके बाद अगर आपको हेयर कलर करना है तो आप ये हेयर कलर के लिए, इसका एक जो है नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हो तो इसका ये जो आउटर पार्ट होता है ना काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है और बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अक्सर मैं क्या करती हूँ कि जब भी हेयर स्टाइल करती हूँ मैं गलती से यहाँ टच करती हूँ, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसमें केवल यही एक नेगेटिव है। और अगर आप करते हो कोई भी स्टाइल तो आपको यहाँ पे साइड में इस तरीके से इसको ऐसे कैच करना पड़ेगा। सो ये रहा इसका जो है रिव्यू, अब मैं इसका दूंगी आप लोगों को डेमो। अगर गाइस ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल होगी तो गाइस ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस अब इसको हम लोग करते हैं। ये देखिए गाइस, ये पावर इंडिकेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, ये पावर ऑन हो गया है। सो थोड़ा सा हीट हो जाए देन उसके बाद हम लोग इसको हेयर स्टाइल करते हैं। सो वेट करते हैं 5 मिनट। बालों को करेंगे कर्ल तो ये हीट हो गया है, ये देखिए पावर ऑन है
और तो हमें सबसे पहले कर्ल करना है। तो हम लोगों ने अभी ये जो स्विच बटन है अभी इसको इसकी इसको जो है फिक्स किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन कर दूंगी तो ये सारे एक साथ खुल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है करने में। सो मैंने इसको पहले मिड पे करके स्विच कर दिया है। और चलिए करते हैं। हीट हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो अब हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको हम लोग ये देखिएगा, मेरे बाल काफी लॉन्ग है ना, इसलिए मैं आपको अच्छे से शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्रिम्पिंग के लिए मैंने इसको राइट साइड में ऐसे पुश किया है तो ये क्रिम्पिंग ऑन हो गया। अगर हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो हमारा जो होगा स्ट्रेटनर और ओपन हो जाएगा। सो चलिए क्रिम्पिंग करते हैं। वाओ गाइस, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये क्रिम्पिंग इसकी। वाओ, अब हम लोग थर्ड स्टेप इसका थर्ड हेयर स्टाइल करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया है हेयर स्ट्रेटनर, अब इसको हम लोग करेंगे हेयर को स्ट्रेट। इसको गाइस यहाँ लगाने के बाद बहुत ही धीरे 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 हम नीचे की तरफ आएंगे। ये देखिए बहुत स्लोली 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 स्लोली, देख सकते हैं गाइस बहुत स्लोली स्लोली। जितने कम हेयर लेके आप स्ट्रेट करोगे उतना ही खूबसूरत आएगा। और अगर आप ज़्यादा हेयर को लेकर आप करते हो तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन ये देखिए मेरे हेयर कितने अच्छे से हेयर जो है हमारे स्ट्रेट हो गए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा। सो गाइज, आपको अगर ये वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर अगर बाय करना होगा तो मैं इसकी परचेस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। और गाइज आपको ये गाइज आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो कमेंट लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइज जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसके बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करिएगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का ध्यान रखिए।